ये वाली सीन फोटो से मैच करा लीजिए, पीछे की जो बिल्डिंग है यही वाली है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि बिल्कुल सही होंगे। देखिए, इस वक्त हम हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। यहाँ पर हुई थी गदर 2 मूवी की शूटिंग, तो उसी लोकेशन पर हम आ गए हैं जो पाकिस्तान दिखाया गया था उस मूवी में, जहाँ पर बॉर्डर बनाया गया था कि मतलब इंडिया से पाकिस्तान में जब जीते एंट्री करता है, तो वो वाली लोकेशन और तमाम जो लोकेशन जो लखनऊ में शूट किया गया था आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। आप मैच कराइएगा, साइड में हम फोटो भी लगा देंगे, आप मैच करा लीजिएगा, बहुत मज़ा आएगा। वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा। ये जो गेट दिखाई दे रहा है ना, इसके अंदर पूरा सेटअप बनाया गया था। हम लोग भी इस गेट के अंदर चलेंगे और वहाँ पर मैच कराएंगे और आपको हम फोटो भी दिखा देंगे साइड में। देखिएगा, वहीं पर पूरा सेटअप लगाया गया था और बाहर से जब जीते की एंट्री होती है तो अंदर पाकिस्तान दिखाया गया था। ये देखिए, ये लोकेशन सामने रूमी गेट है और रूमी गेट के पीछे जो है कि बड़ा इमामबाड़ा है, और ये जो गेट जिसके अंदर पाकिस्तान दिखाया गया था इसके अंदर छोटा इमामबाड़ा है। तो अंदर चलते हैं। इसमें अंदर जाने के लिए ना तीन गेट बनाए गए हैं, एक मेन गेट है और दो इसके अगल बगल हैं, और सामने से देखने में एक मिरर जैसा दिखाई देता है। बहुत ही पुराना गेट है और बहुत ही खूबसूरत इस पर नक्काशी भी की गई है। इस गेट से हम लोग भी अंदर एंट्री करेंगे और नीचे ईंट बिछाई गई है पहले का। ये देखिए कितना खूबसूरत है, ये देखिए अंदर से कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। जैसे ही जीते पाकिस्तान में एंट्री करता है तो उस गेट से अंदर आता है, तो मान लीजिए कि अब अंदर पाकिस्तान है। तो यहाँ पर देखिए सेटअप लगा करके बगल में ही वो उसका पासपोर्ट वीज़ा चेक किया जाता है। देखिए ये गाड़ी जो है कि उसी दरवाजे से बाहर जाएगी, मतलब कि मूवी में ये समझाया गया था कि उसके बाहर उधर जो है कि हिंदुस्तान है और इधर पाकिस्तान है। ये देखिए छोटा इमामबाड़ा है और सामने इस गेट को भी दिखाया गया था, और ये वाला जो देखिए इमामबाड़ा है, छोटा इमामबाड़ा है, और रूमी गेट के पीछे जो बड़ा इमामबाड़ा हम बता रहे थे वीडियो के शुरू में, बड़े इमामबाड़े के अंदर ही भूल भुलैया भी है। और यहाँ देखिए ये जो फ़ोटो साइड में लगाए हैं उससे ये मैच करा सकते हैं। ये वाली जो गेट है ना, ये ठीक यहीं पर टेबल लगा करके लाइन में सबको खड़ा करके वहाँ पर चेक किया जा रहा था सबका वीज़ा पासपोर्ट। ये देखिए, और एक्चुअल में पाकिस्तान जैसा देखने में भी लग रहा है यह लोकेशन। अब आपको हम एक ऐसे सीन पर लेकर के चलते हैं जहां पर जब सनी देओल की एंट्री होती है पाकिस्तान में, तो इंडिया क्रश, इंडिया क्रश, इंडिया क्रश ऐसे करके पोस्टर लगाए जाते हैं। उस वाली लोकेशन पर आपको लेकर के चलते हैं, वहां पर भीड़ होती है, लोग आते हैं और इंडिया क्रश के नारे लगाते हैं। चलिए उस वाले लोकेशन को आपको दिखाते हैं। देखिए सामने से भीड़ आती है, ये वाली जो ऊपर लाइट लगी हुई है ना, आप मैच करा लीजिए जो फ़ोटो हम लगाए हैं साइड में। और ये देखिए दीवार है ना, यहाँ पर इंडिया क्रश चिपकाया हुआ है, फाड़ दिया गया है, हटा दिया गया है, नहीं तो इंडिया क्रश यहीं पर लिखा गया था। और सामने से भीड़ आ रही थी, ये जो लाइट लगी हुई है उसको भी आप देख सकते हैं फ़ोटो में दिखाया, जो बगल में हम फ़ोटो लगाए हैं। और ये देखिए सामने जो केबिन बनाई गई है उसके ऊपर एक एसी रखी गई है, वो भी आप देख सकते हैं एज इट इज़ यहाँ से सीन लिया गया था। गदर 2 प्रेम कथा आगे कंटिन्यू है, और ये वाला जो स्थान है इसको भी एक सीन में दिखाया गया था, वो भी हम आपको दिखा दे रहे हैं सामने से चल करके। सामने चलिए वहाँ पर दिखाएंगे और फ़ोटो भी लगा के दे रहे हैं, ये यहाँ से बिल्कुल क्लियर दिखेगा। इसको भी एक सीन में दिखाया गया था। इसके ऊपर देखिए तिरंगा लगाया गया है और काफ़ी ऊंची ये भी बिल्डिंग है, तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर शूट की गई थी गदर मूवी। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आएगी। इस चैनल पर हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस प्रकार की वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।